नवनियुक्त दुर्विजय सिंह शाख क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर क्या देखते हैं, ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड है, अब आपके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या रहने वाला है? अभी नगरीय निकाय चुनाव है, फिर मिशन लोकसभा पर। अभी मई में लगभग नगर निगम के चुनाव हैं, ब्रज क्षेत्र में 6 नगर निगम हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर, मैं अपने नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, उनके ऊपर जो जनता का भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनकी निष्ठा और उनका उत्साह है, और हमारा संगठन तंत्र बस बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। मैं 6 के 6 नगर निगम हम जीतेंगे, अधिकतम नगर पालिकाएँ जीतेंगे, अधिकतम टाउन एरिया जीतेंगे, और लोकसभा में हम पिछली बार 13 में 12 जीते थे, 2014 में 13 में से आप 10 जीते थे, 2019 में 13 में से 12, मैनपुरी बाईपोल आप फिर भी नहीं निकाल पाए सीट, तो ऐसे में अब आपके लिए क्या है, क्या लक्ष्य रखा है आपने? बाईपोल भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि अब की बार ब्रज में 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, और केवल लक्ष्य नहीं है, ये मेरा भरोसा है कि हम इस बार 13 की 13 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। ब्रज जी आज कह रहे हैं कि आज के उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, चाहे आईडी ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, वो आप डेटा उठा के देख लीजिए, उस एक लेंस के तहत कार्य कर रही है एजेंसियां, और वही उनके ही जो वोट बैंक है उन्हीं से जुड़े लोगों पर एजेंसी कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी असल में जिसका चश्मा जैसा होता है वैसा देखते हैं। उनकी जब सरकारें थी तो उन्होंने जाति के आधार पर काम किया, उन्होंने धर्म के आधार पर काम किया, उसी आधार पर उनका चश्मा है, तो इसलिए वो उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चश्मा बिल्कुल ठीक है, हमारे नेतृत्व की मंशा बिल्कुल ठीक है, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारी शासन में, हमारी सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो, हम सब वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक गई है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए उनको केवल और केवल जाति ध्यान में आ रही है। जाति वाली जो राजनीति है वो उसका दौर अब समाप्त हो गया है, उन पर लोग लग रहा है। क्षेत्रीय टीम कब तक गठित करनी है? जल्दी करेंगे। कुल मिला के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य आज पहली बार आगरा पहुंचे हैं, और आगरा ब्रज क्षेत्र कार्यालय है, ब्रज क्षेत्र का हेड ऑफिस है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपाई जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, और इसको लेकर उनका कहना है कि पिछली बार 2019 में ब्रज क्षेत्र में 13 में से 12 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मिशन 2024 के तहत 13 में से 13 सीटें जीतनी, इसके साथ ही ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला, उन्होंने कहा कि जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही बात करते हैं, और उसी जातिवादी सोच के कारण ही उनकी जो पूरा जो धरातल है, राजनीतिक धरातल पूरी तरह से खिसक चुका है। तो अखिलेश यादव पर भी हमलावर रहे, इसके साथ ही जल्द ही उन्होंने अपनी टीम गठित करने की बात भी कही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।